हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए खास है जो कोई एक नई कार लेने की सोच रहे हैं या फिर इस उलझन में हैं कि वही नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां ली जाए या फिर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजली से चलने वाली गाड़ी ली जाए। कई तरह के उलझन रहते हैं ना दिमाग में, उसकी चार्जिंग को लेकर क्या कोई लफड़ा है, इसके अलावा इकोनॉमिकल वो कितनी पड़ रही है। जाहिर सी बात है कि शुरू में आप ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो वो पैसा क्या आपका रिटर्न हो पाएगा। लंबी दूरी तय करनी हो तो क्या ये एक चार्ज में इससे तय की जा सकती है, उसके लिए क्या करना होगा, सरकार किस तरह से क्या कुछ कर रही है इसको लेकर, कई तरह की जो उलझने वाले सवाल हैं इन सब के जवाब मैं आपको दूंगा आज। और ये सब कुछ बताने के लिए हमने जो माध्यम चुना है, जो गाड़ी चुनी है, वो है टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स। इस गाड़ी को हमने इसलिए चुना क्योंकि एक तो टाटा का ब्रांड है, इसके अलावा तमाम ईवीज को अगर देखा जाए तो उसमें ये टॉप सेलिंग कार है। मजबूती पावर की तो ये स्थिति है कि क्रैश रेटिंग में 5 स्टार, आप समझ सकते हैं। ये इस तरह का टेस्ट होता है कि विपरीत परिस्थितियों में कोलिजन कराकर ये देखा जाता है कि कम से कम नुकसान हो, तो ये गाड़ी उसमें 5 स्टार लेकर आई थी। और भी कई सारी खूबियां हैं इसकी, तो इन सब के जरिए आपको वो तमाम बातें ईवी से जुड़ी हुई बताऊंगा। तो बिना देर किए हुए आइए शुरुआत करते हैं। टाटा का ईवी गाड़ियों में एक तरह से कहा जाता है कब्जा है। कब्जा क्यों है? देखिए, जो ईवी गाड़ियों की सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना कि एक बार के फुल चार्ज में वो कितनी दूरी तय कर पा रही है। लोगों का एक डर रहता है कि लंबी दूरी जा पाएगी नहीं, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि 450 किलोमीटर तक का दावा कंपनी की तरफ से किया गया है, लेकिन अगर बहुत रफ कंडीशन में भी आप चलाएं तो 350 किलोमीटर कहीं नहीं गया है। देखिए, फटाफट आपको इसके एक्सटीरियर के बारे में आपको बता देता हूँ क्या कुछ है। गाड़ी को आप देख ही रहे हैं, जिस तरह से एसयूवी है और जो एक लुक है इसका वो ज़बरदस्त है। सामने से जो टाटा का अपना बैज है, लोगो है, यहाँ पर ये रहा इसका लैंप जो प्रोजेक्टर भी है और हेलोजन भी है। प्रोजेक्टर जब लो बीम पे है और हेलोजन जब हाई बीम पे है। ये फॉग लैंप, इसके अलावा अगर पहिए की तरफ आए तो 16 इंच का ये अलॉय व्हील है डायमंड शेप में, ज़बरदस्त दिखता है। ये है आपका साइड मिरर जो फोल्ड हो जाता है, जैसे ही आप इस गाड़ी को ऑफ करते हैं तो ये जाके अंदर चिपक जाएगा। ये साइड का व्यू आप देखेंगे, एसयूवी का जो एक होता है ना कि चाहत होती है लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इस मामले में नेक्सॉन ने बाजी मारी है। पीछे अगर आप आते हैं तो देखिए, यहाँ पर ईवी का इसका बैज मिल जाता है, नेक्सॉन लिखा हुआ मिल रहा है, नीचे यहाँ पर सेंसर मिल, पार्किंग सेंसर है, रियर व्यू कैमरा है यहाँ पे। अब बड़ी बात होती है बूट स्पेस की, जो हर गाड़ियों में लोग चेक करते हैं, देखते हैं कि भाई कहीं मैं जा रहा हूं तो सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह है या नहीं। तो नेक्सॉन इसमें भी बाजी मारती हुई दिख रही है और अच्छा खासा इसमें स्पेस आपको मिल जाएगा। अगर मतलब 5-10 मेरी हाइट है और अगर मैं अपने पैरों को फोल्ड करके चाहूँ तो इसमें लेट भी सकता हूँ। हाँ, तो भैया, अब आपको इसके इंटीरियर के बारे में बता दें क्या है। देखिए, बेज और ब्लैक कलर का पूरा ये इंटीरियर आपको मिलेगा, खूबसूरत अच्छा दिख रहा है। ये सामने 7 इंच का जो है स्क्रीन है, इससे आपका आईफोन हो, एंड्रॉयड हो, अटैच हो जाएगा और बिल्कुल मल्टीमीडिया वाला फंक्शन है, सब कुछ आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इस पर लगातार आती रहेगी, जो कुछ भी इसमें होगा, टेम्परेचर है या फिर गाड़ी में जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ये फील जो है ऑटोमेटिक वाला है, आपका सिर्फ राइट लेग जो है इसमें एक्टिव रहता है, लेफ्ट को बिल्कुल आराम देंगे आप जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं और ऑन करने के बाद की से यहाँ पर अगर पैड दबाते हैं पैर से और ये स्टार्ट स्टॉप बटन को दबाते हैं तो गाड़ी जो है पूरी तरह से एक्टिव मोड में हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, कोई गियर का कोई चक्कर नहीं है, गियर बॉक्स नहीं है, तो यहाँ पर जो मोड दिए गए हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। ये पार्किंग मोड है, ये जो है रिवर्स के लिए है, और तीसरा जो है न्यूट्रल के लिए है, और ये ड्राइव मोड के लिए है। अब ये देखिए, ये दो मोड और भी यहाँ पे दिए गए हैं, आपको खुद ही सुनाई देगा। देखिए, मैं ऑन करता हूँ इकोनॉमी ड्राइव मोड, ये स्पोर्ट मोड ड्राइव, जब आप हाईवे पे जा रहे हों तब के लिए है।
और ये इसका ज़बरदस्त बटन है रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम। ये जो है जब आपकी ईवी चल रही होगी तो उस समय भी ये गाड़ी चार्ज करता है। देखिए ईवी का एक गजब की चीज़ है ना, जब नॉर्मल गाड़ियों में आप चलते हैं और लॉन्ग रूट पे आप गाड़ी ले जाते हैं ना, तो वहाँ पे गाड़ी में माइलेज अच्छा मिलता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। जब आप भीड़ भाड़ या शहर में जब चल रहे होते हों और ब्रेक अप लगा रहे हों या गाड़ी धीमी और तेज़ हो रही हो, उस समय जो है इसका माइलेज अच्छा मिलेगा। यानी क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसमें ये सिस्टम दिया हुआ है, इसके ज़रिए जो है चार्जिंग की प्रक्रिया बीच बीच में चलती रहती है, तो आपको माइलेज अच्छा मिलता है। यानी वन गो में जो है वो लंबी दूरी तक का, और जो बैटरी का खर्च है वो धीरे धीरे होगा, धीरे से ड्रॉप होगा। इसमें तीन लेवल दिए हुए हैं, 1, 2, 3। थ्री लेवल होगा जब कहीं आप चढ़ाई पे जा रहे हैं, उतर रहे हो, तो उस समय 3 लेवल लगा देंगे तो साथ साथ बैटरी जो है वो चार्ज भी होती रहेगी। 2 नॉर्मल सिटी में, और फर्स्ट जो है आप हाईवे पे जा रहे हैं तब आप फर्स्ट पे रखिए। इसकी सीट आप देखिए, ये बहुत ही कंफर्टेबल है। इसके साथ ही साथ इसमें बड़ी अहम बात यह है कि इसमें आपको वेंटिलेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसका एक बटन यहाँ साइड में है दोनों तरफ से, इस बटन को आप ऑन करेंगे और इसके ज़रिए यहाँ पर आपको गर्मी नहीं लगेगी, पसीना नहीं होगा। गाड़ी का स्पीकर हो या फिर एसी, वो सब हमने चेक किया, बहुत ही ज़बरदस्त है। हर गाड़ी में ग्लोव की एक जगह होती है जहाँ पर जगह स्पेस अपने आप में मायने रखता है, तो यहाँ भी हमने देखा काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पर। इसके अलावा दोनों डोर पे आप देखिए यहाँ पर भी जगह है, कुछ भी आप रख सकते हैं। अब देखिए इसमें हैंड ब्रेक तो है नहीं, तो ये जगह खाली है, और इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल भी किया गया है। इसको वायरलेस चार्जिंग प्लेट है, अपनी फ़ोन यहाँ पर रख लीजिए और आपका फ़ोन जो है अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो अपने आप से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। एक और मज़ेदार बात इसकी हम दिखा रहे हैं, अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ आपको सनरूफ भी मिल रहा है। सनरूफ, आराम से आप इसमें ये मज़ा ले सकते हैं। बिल्कुल ये गाड़ी यहाँ से खुल जाएगी, फिर यहाँ से बंद होगी। इसके अलावा आप चाहते हैं अगर इसे पूरा ना खोलना तो एक बटन यहाँ दिया हुआ है जहाँ इसके ज़रिए आप इसको थोड़ा सा भी खोल सकते हैं। ये वो 3 बटन हैं। देखिए स्टेयरिंग पर इसके तमाम ये बटन दिए हुए हैं, वॉल्यूम को अप डाउन और तमाम, जैसे जो होता है कॉल आप इससे ले सकते हैं या काट सकते हैं। यहाँ पर ये जो बटन यहाँ पर दिया हुआ है ये है क्रूज़ कंट्रोल का। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ से ऑन कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। क्रूज़ कंट्रोल की को अगर बढ़ाना है या घटाना है तो इसके ज़रिए आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। अब देखिए क्रूज़ कंट्रोल बहुत लोगों को पता है, लेकिन उन लोगों को जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि क्रूज़ कंट्रोल आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें ये एक ज़बरदस्त फीचर होता है, जिसमें आप अगर मान लीजिए हाईवे पर जा रहे हैं और बार बार आपको जो है कम ज़्यादा स्पीड करनी पड़ती है, तो इससे आपको मुक्ति मिल जाती है, थकान नहीं होगी और साथ ही साथ गाड़ी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाता है। मतलब अगर पेट्रोल डीजल की गाड़ी होती है तो उसमें माइलेज अच्छा मिलता है, और अगर इलेक्ट्रिक है तो उसका जो है बैटरी जो है उतनी तेज़ी से डाउन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक फिक्स स्पीड जो है वो कर दिया जाता है और उसी स्पीड के हिसाब से गाड़ी ऑटोमेटिक चलती रहती है। यानी एक तरह से कंट्रोल जो है वो क्रूज़ के ज़रिए वो एक ऑटोमेटिकली कंट्रोल करके गाड़ी आप आगे बढ़ाते रहते हैं। देखिए किसी भी गाड़ी का ना सेफ्टी फीचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू होता है, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि क्रैश टेस्टिंग में ये 5 स्टार ऑलरेडी इसको मिल चुके हैं। इसके अलावा इसको जो है अगर आपकी गाड़ी कोलिजन होती है, टकराती है, तो इसमें एयरबैग 2 दिए हुए हैं। इसमें ABS और EBD ये भी मिल रहा है। इसके बारे में भी उन लोगों को बता दूं कि ABS क्या है। जब आपकी गाड़ी जो है तेज़ी से जा रही है और अचानक से आपको ब्रेक मारना पड़ता है तो वो गाड़ी स्किड ना हो, इसके लिए ABS काम करता है। और EBD इस तरह से काम करता है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी किस कंडीशन में खड़ी है आड़े तिरछे, तो ब्रेक का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ कहाँ हो वो डिसाइड करता है। मान लीजिए पीछे कोई बैठा हुआ है तो वो EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहाँ पे कितना ब्रेक लगाना है वो इसके ज़रिए तय होता है। आइए अब आपको पीछे वाली सीट पर भी ले चलता हूँ, पहले ये बैग हटा लेते हैं। अच्छा देखिए मैंने आपको ये बताना तो मैं भूल ही गया था, इन्होंने यहाँ पर चार्जिंग के लिए ये वायर दिया हुआ है, फटाफट देख लीजिए। अच्छा इसमें फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन है, 7.2 किलोवाट का इसमें चार्जिंग, जो तकरीबन 50-55 मिनट में आपको 0 से 80% तक चार्ज हो जाएगा फटाफट। चलिए अब आगे मैं आपको पीछे की सीट पर बैठ के दिखाता हूँ क्या कुछ है। देखिए पीछे की सीट पर मैं बैठ रहा हूँ,
आगे मैं इस ड्राइविंग सीट पर बैठा था, कोई मैंने इसमें चेंजेस नहीं किया, आगे पीछे कुछ नहीं किया, उसके बावजूद मुझे अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर मिल रहा है। हेडरूम भी आगे भी मुझे ठीक ठाक मिल रहा था, यहाँ भी मिल रहा है, मतलब तीन लोग मुझे लग रहा है कि आराम से यहाँ पर बैठ जाएंगे। एसी वेंट यहाँ भी पीछे भी दिया हुआ है, ये अच्छी बात है, आपके जो पीछे बैठने वाले लोग हैं वो भी थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल फील करेंगे। साथ ही मेरे लेफ्ट हैंड पर अगर यहाँ देखेंगे आप तो 12 वोल्ट का यहाँ पर एक चार्जर का भी सॉकेट दिया हुआ है, ये भी अच्छी बात है। अरे देखिए, खूबियाँ तो हैं कई सारी, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ खामियाँ भी हैं। जैसे मुझे जो लगा कि यहाँ पर जो है ना, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर थाई जो है ना पूरी तरह से सपोर्ट में नहीं है, लेग स्पेस तो है प्रॉपर। अब उसकी एक वजह ये है कि अब इसी के नीचे जस्ट जो है वो बैटरी का पैनल होता है, तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा अप करके लगाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से इसका इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है कि वो पूरी तरह से पॉसिबल नहीं हो पाया, बट ऐसा नहीं कहा संभव है, इसको भी अगर ध्यान दिया जाए तो ये भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक अपना मज़ा होता है ना, जब पूरे केबिन में जो एक नॉर्मली पेट्रोल डीजल गाड़ियों में एक शोर होता है, वो यहाँ बिल्कुल आपको शांत मिलेगा, कोई नॉइज़ नहीं म्यूज़िक के अलावा, अगर म्यूज़िक आप चला रहे हो तो। और एक और अहम बात है इसमें, जो पिकअप को लेकर सवाल उठाया जाता है ईवीज़ में कि वो पिकअप नहीं मिलता है, यहाँ टाटा नेक्सॉन में इसकी शिकायत आपको थोड़ी भी नहीं मिलेगी। मतलब सिर्फ 9 सेकंड में 0 से 100 तक यहाँ ये पहुँच जाती है। तो दोस्तों, अगर आप कोई नई कार लेने जा रहे हैं ना, तो उलझिए नहीं, आप ट्रेंड को समझिए, टेक्नोलॉजी को समझिए। और आज का ट्रेंड जो है ना, और ज़रूरत भी अगर कहूँ तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरत के हिसाब से जो है ईवी पूरी तरह से मुफीद है, सही है। दूसरों को देखकर डरिए नहीं, देखिए टोटल जो है डिमांड और सप्लाई का खेल है। जितना ज़्यादा हम ईवी को यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी आएगी, चार्जिंग की जो समस्या है वो और कम होती जाएगी। आपको याद होगा ना, जब फ़ोन आया था तो किस तरह से बैटरी उसकी जो है पूरी रात हमें चार्ज करनी पड़ती थी, और अब जो है 1.5 घंटे में या आधे घंटे में पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। तो दूसरों को देख के डरने की ज़रूरत नहीं। और तो सरकार भी इस पर तमाम तरह की सुविधाएँ दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है। तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी समझ लगाइए, दूसरों के हिसाब से उलझने की ज़रूरत नहीं है, हमें चलते रहना है, क्योंकि तू ना चलेगा चल देंगी ये राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो चलिए, मैं एक लॉन्ग ड्राइव लेता हूँ इससे, और बाकी फिर मिलेंगे। बाय बाय।